फर्स्ट वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक या जॉस स्टिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दीपक। दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दीपक को इंग्लिश में लैम्प कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रुई की बाती। रुई की बाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रुई की बाती को इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हवन सामग्री। हवन सामग्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हवन सामग्री को इंग्लिश में इंसेंसरी या इंसेंस बर्नर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कपूर। कपूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है छठ पूजा। छठ पूजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छठ पूजा को इंग्लिश में छठ पूजा ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सूर्य देवता। सूर्य देवता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सूर्य देवता को इंग्लिश में सन गॉड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सूर्य को जल चढ़ाना को इंग्लिश में ऑफरिंग वाटर टू सन कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है गंगा जल। गंगा जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गंगा जल को इंग्लिश में हॉली वाटर कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहती हैं? प्रसाद को इंग्लिश में सैक्रामेंटल फूड या ऑफरिंग्स कहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।